स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज इसके बारे में जानेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मेले हैं, उत्सव हैं, उसके अलावा जो उत्सव के अलावा हम जानेंगे शिक्षा के बारे में, नक्षत्रशालाओं के बारे में, लोकगीत, नृत्य कला और लोक नृत्य के बारे में, क्योंकि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो लोअर परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस परीक्षा का प्री हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्य उत्सव हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। तो नॉर्मल हमको एक बात जानना चाहिए, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं और सबसे कम जो मेले लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से उत्सव हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में। सुलह कुल कहाँ बनाया जाता है, उत्सव आगरा में बनाया जाता है और राम बारात उत्सव भी आगरा में बनाया जाता है। तो सुलह कुल और राम बारात दोनों उत्सव जो होते हैं वो आगरा में बनाया जाता है। उसके अलावा जो कंपिल उत्सव है ये बनाया जाता है फर्रुखाबाद में। कहाँ बनाया जाता है, कंपिल उत्सव बनाया जाता है फर्रुखाबाद में। उसके बाद देखते हैं लठमार होली उत्सव जो होता है ये बरसाना में होता है जो कि मथुरा में पड़ता है। उसके बाद कबीर उत्सव मगर और कजरी उत्सव महोत्सव मिर्जापुर में बनाया जाता है। इसके अलावा हरिदास जयंती वृंदावन में। तो यही मुख्य हैं जो पूछे जाते हैं कि सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में बनाया जाता है। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आगरा में बनाया जाता है। कंपिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये फर्रुखाबाद में बनाया जाता है। उसके बाद लठमार होली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये बरसाना में बनाया जाता है। उसके अलावा कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये बनाया जाता है मिर्जापुर में। और हरिदास जयंती जो महोत्सव है वो बनाया जाता है वृंदावन में। ये तो बात हुई उत्सव के बारे में। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेले हैं, मुख्य मेले जो उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बटेश्वर मेला। जो बटेश्वर मेला है ये आगरा में लगाया जाता है। इसके अलावा एक और मेला पड़ता है कैलाश मेला। तो बटेश्वर मेला और कैलाश मेला दोनों लगाए जाते हैं आगरा में। उसके अलावा देवा शरीफ का जो मेला है वो बाराबंकी में लगाया जाता है। नौचंदी का जो मेला है वो आपका मेरठ में लगाया जाता है। उसके अलावा देखते हैं गोविंद साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है गोविंद साहब जो मेला है वो कहाँ लगाया जाता है। तो गोविंद साहब जो मेला है वो लगाया जाता है अम्बेडकर नगर में लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सैयद सालार मेला कहाँ लगाया जाता है, बहराइच में लगाया जाता है। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगाया जाता है, सहारनपुर में लगाया जाता है। तो हमने जाना बटेश्वर मेला आगरा में लगाया जाता है, देवा शरीफ जो मेला है वो आपका बाराबंकी में लगाया जाता है, नौचंदी मेला जो है आपका वो मेरठ में लगाया जाता है और गोविंद साहब जो मेला है वो आपका अम्बेडकर नगर में लगाया जाता है। इसके अलावा हमने जाना सैयद सैलार जो मेला है वो बहराइच में लगाया जाता है। उसके अलावा शाकुंभरी देवी का जो मेला है वो सहारनपुर में लगाया जाता है। इसके अलावा दो तीन मुख्य मुख्य मेले और हैं, जैसे कि कैलाश मेला हमने पहले ही बताया था आगरा में लगाया जाता है। जो पशु मेला है वो पशु मेला बटेश्वर में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, बटेश्वर में। इसके अलावा दो मुख्य मेले हैं ध्रुपद मेला और माघ मेला। ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो ध्रुपद जो मेला है वो लगाया जाता है आपका वाराणसी में। कहाँ पे लगाया जाता है, वाराणसी में लगाया जाता है। और माघ मेला जो लगाया जाता है आपका इलाहाबाद में लगाया जाता है। तो मेले भी हमने जाने कि सबसे पहले हमने जाना बटेश्वर मेला आगरा में लगाया जाता है, उसके बाद हमने जाना कैलाश मेला भी आगरा में लगाया जाता है, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगाया जाता है, सैयद सैलार मेला जो है आपका बहराइच में लगाया जाता है। इसके अलावा हमने जाना कि गोविंद साहब जो मेला अम्बेडकर नगर में लगाया जाता है और पशु मेला बटेश्वर में लगाया जाता है। यही मेले हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन सा मेला कहाँ लगाया जाता है और यही इंपोर्टेंट उत्सव है जो पूछे जाते हैं कौन सा उत्सव कहाँ बनाया जाता है। तो इसके बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं और लोकगीत हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो मुख्य मुख्य मैंने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चरकुला। चरकुला जो नृत्य है ये बनाया जाता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र कौन सा है, जो कि ब्रज क्षेत्र मथुरा के आसपास का क्षेत्र और बरेली तक का क्षेत्र, बुलंदशहर का क्षेत्र जो होता है वो ब्रज क्षेत्र में लगता है। तो ये जो चरकुला वाला जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र में होता है। इसके अलावा झूला, मयूर, घड़ा और रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होते हैं। उसके अलावा देखते हैं कर्मा। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कर्मा कहाँ पे होता है ये नृत्य, ये और ये शिला नृत्य कहाँ होता है, ये होता है सोनभद्र में। इसके अलावा देखते हैं, यही दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं चरकुला नृत्य और कर्मा। तो चरकुला जो नृत्य है वो पड़ता है ब्रज में और आपका कर्मा जो पड़ता है वो सोनभद्र में है। देखिए फिर आगे देखते हैं लोकगीत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकगीत पूछ लेता है कि रसिया कहाँ पर, ये जो लोकगीत है रसिया कहाँ पर गाया जाता है। तो ये भी गाया जाता है ब्रज में गाया जाता है
और आल्हा, आल्हा जो गाया जाता है बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसके अलावा जो रागनी और ढोला, जो रागनी और ढोला है ये पश्चिमी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है उसमें गाया जाता है। इसके अलावा जो कजरी है, कजरी अवध में गाया जाता है और मल्हार कोरबी में। तो हमने जाना कोरबी मतलब कन्नौज वाला जो एरिया है वो मल्हार उसमें गाया जाता है। तो हमने जाना कि चरकुला जो नृत्य है वो ब्रज का है और इसके अलावा झूला, मयूर, घड़ा और रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र के हैं। फिर हमने जाना कि कर्मा और शीला नृत्य कहाँ के हैं, ये सोनभद्र क्षेत्र के हैं। फिर हमने जाना कि रसिया कहाँ पर लोकगीत गाया जाता है, ये भी ब्रज में गाया जाता है। इसके अलावा हमने जाना जो आला है, आला बुंदेलखंड में गाया जाता है और रागनी और ढोला ये भी कहाँ गाया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। इसके अलावा कजरी अवध में गाया जाता है। फिर हमने जाना मल्हार कौरमी में गाया जाता है। ये तो हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत और ये हुए उत्तर प्रदेश के नृत्य कला। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक है जो कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम जानेंगे स्थापत्य कला, जो जैसे कि देवगढ़ में कौन सी है, देवगढ़ कहाँ पड़ता है, और इसके अलावा देवगढ़ कहाँ पड़ता है, फिर देखते हैं भीतर गांव कहाँ पड़ता है, भीतरी गांव कहाँ पड़ता है। तो ये मंदिर हैं जो कि बनाए गए हैं, जो कि जैसे कि देवगढ़ मंदिर जो झांसी में पड़ता है वो पत्थर निर्मित है, और इसके अलावा जो भीतर गांव और भीतरी हैं, जो भीतर गांव कानपुर में पड़ता है और भीतरी जो है वो गाजीपुर में पड़ता है। ये दोनों जो मंदिर हैं वो ईंट निर्मित है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये भीतरी कहाँ पर है या भीतर गांव कहाँ पर है और ये देवगढ़ कहाँ पर है। तो देवगढ़ कहाँ पर पड़ता है, झांसी में। इसके अलावा भीतर गांव कहाँ पड़ता है, कानपुर में, और भीतरी कहाँ पड़ता है, गाजीपुर में। तो इससे हमने जाना कि कौन कौन से मंदिर कहाँ पर पड़ता है, उससे पहले जाना कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, वो हमने जाना कथक है। उसके बाद हमने जाना कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से हैं, रसिया कहाँ पर है, आला, रागनी, ढोला, रजनी, मल्हार, ये कहाँ पर है। अब जानते हैं मुख्य इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है नक्षत्रशाला है। नक्षत्रशाला वो है जिसमें कि हम जो अंतरिक्ष की चीज़ें हैं उसको हम देख पाते हैं, दूरबीनों का प्रयोग किया होता है जिसमें आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं, ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो पड़ती है वो है आपकी लखनऊ में। कहाँ पर है इंदिरा गांधी, लखनऊ में है। उसके बाद वीर बहादुर नक्षत्रशाला है ये आपकी है गोरखपुर में। तो हमने जाना इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है और वीर बहादुर जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। इसके बाद देखते हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, ये रामपुर में पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी रामपुर में ही है। इसके बाद जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में है जो कि आनंद भवन के परिसर में बनी हुई है। समझ में आया, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपकी लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है और जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद के आनंद परिसर में है। उसके बाद हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो है वो आपकी रामपुर में है। इसके अलावा लखनऊ में एक और है जिसको हम कहते हैं जवाहर तारा मंडल। तो जवाहर तारा मंडल कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो हमने जाना नक्षत्रशालाओं के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी ये शिक्षाओं के बारे में कि शिक्षा क्या है और जितने भी संस्थान बनाए गए थे, संगीत संस्थान, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट पूछ लेता है या ये पूछ लेता है कि भारत खंडे जो संगीत संस्थान है ये डीम्ड कब बना। तो देखते हैं, सबसे पहले 1957 में एक संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1996 में क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की, सांस्कृतिक जो केंद्र थे क्षेत्रीय, उनकी भी स्थापना की गई। सबसे पहले जानते हैं भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में। तो ये जो है लखनऊ में है और पहले जो इसका नाम, इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी और जो पहले इसका जो नाम था वो था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या नाम था, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। उसके बाद 1960 में इसका नाम पड़ा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कभी कभी ऐसा होता है कि भातखंडे संगीत संस्थान ना देकर ये दे देता है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये भी कब हुई, 1926 में हुई। इसके बाद 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया। तो डीम्ड विश्वविद्यालय कब बनाया गया, इसको 2000 में। तो हमने जाना कि भातखंडे जो संगीत संस्थान है लखनऊ में है, सबसे इसकी स्थापना 1906 में हुई थी जब इसका नाम मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक था। उसके बाद 1960 में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया। उसके बाद इसको 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया।
ये तो बात हुई भातखंडे के बारे में, इसके अलावा भी अलग अलग कुछ और भी हैं अकादमी हैं, जैसे राज्य ललित कला अकादमी, ये लखनऊ में पड़ती है, ये भी लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई 1962 में, थोड़ा उल्टा है, ये 1926 और ये 1962 में। इसके बाद जो हुआ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में, एक वर्ष बाद ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। इसके बाद भारतेंदु नाटक अकादमी की भी स्थापना की गई जो कि लखनऊ में है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है भातखंडे संगीत संस्थान और भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो ध्यान रखो दोनों के नाम ये भातखंडे हैं और ये भारतेंदु है, तो इसमें समझ में आया कि जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है ये लखनऊ में है जिसकी स्थापना 1975 में हुई। तो अब हमने जाना इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से संगीत संस्थान कहाँ पर हैं, फिर हमने जाना नक्शाशाला कहाँ पर हैं, फिर हमने जाना इसके मेलों के बारे में, फिर उत्सव के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालय हैं जो कि राजकीय हैं, उसके बाद डिम्ड हैं, उसके बाद आपके जो विद्यालय हैं वो कौन कौन से हैं, किसके कौन कौन से पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि 1958 में जो म्योर इंटर कॉलेज बना था वो इलाहाबाद में है। इसके अलावा 1981 में राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो बना है वो 1981 में बना था, जिसकी कुछ शाखाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये है इलाहाबाद में है। इसके बाद हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग जिसको बोलते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में पड़ता है। इसके अलावा ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि आंगल शिक्षण संस्थान कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है इलाहाबाद में। तो हिंदी कहाँ पर पड़ता है, वाराणसी में, और ये आंगल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है इलाहाबाद में। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, कितने डीम्ड हैं और कितने राजकीय हैं, तो उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं जो कि इस प्रकार हैं, BHU, उसके बाद जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी लेकिन इसको केंद्रीय का जो दर्जा मिला था वो मिला था 1975 में, कब मिला था 1975 में। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की जो कि बनी थी 1887 में, लेकिन इसको जो सेंट्रल का जो दर्जा मिला था वो मिला था 2005 में। तो हमें पता चला एक तो BHU है, उसके बाद AMU, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद फिर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, ये भी एक राजकीय विश्वविद्यालय है, मतलब सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि 1989 में बना था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है, इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो कि रायबरेली में है। तो ये जो छः विश्वविद्यालय हैं ये सेंट्रल के हैं, कौन कौन से, BHU, AMU, AU, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये जो 6 विश्वविद्यालय हैं ये केंद्रीय के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 4 केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं, ये भी पूछ लेता है। तो 4 जो केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय हैं वो हैं आपके IVRI जो कि इज्जत नगर बरेली में है, उसके बाद दूसरा पड़ता है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, ये पड़ता है इलाहाबाद में। इसके बाद तीसरा जो है वो है आपका IIT IIIT इलाहाबाद में। उसके बाद जो चौथा जो आपका केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय वो है आपका केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान जो कि पड़ता है आपका सारनाथ वाराणसी में। तो हमने जाना 6 सेंट्रल विश्वविद्यालय कौन से हैं, उसके बाद जाना कि 4 केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। अब जानते हैं राजकीय जो 19 है, देखिए 19 में कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक विश्वविद्यालय है जो कि है आपका आगरा में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि पढ़ता है आपका वाराणसी में, कहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पढ़ता है, वाराणसी में। तीसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका राजकीय विश्वविद्यालय ही है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कानपुर में है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है राम मनोहर लोहिया जो विश्वविद्यालय है वो फैजाबाद में है, और राजश्री पुरुषोत्तम दास मुक्त विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में पढ़ता है, और ये ओपन कॉलेज है, ओपन यूनिवर्सिटी टाइप से है।
उसके बाद डॉक्टर शकुंतला देवी पूर्णावास विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में पड़ता है। तो ये हमने जाना कौन कौन से विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, और इसके बारे में हमने जाना कि भाई मेले कहाँ पर हैं, उसके बाद पर्व के बारे में जाना, शिक्षा के बारे में जाना, इसके बाद हम लोग और कुछ थोड़ा जानते हैं। तो हमने जाना कौन कौन से ये केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय डीम्स विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय। राजकीय विद्यालय मैंने कौन कौन से बताए थे एक बार रिविजन और कर लीजिए। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय जो वाराणसी में है, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज जो विद्यालय कानपुर में है, उसके बाद मैंने बताया राम मनोहर लोहिया फैजाबाद में, उसके अलावा राज श्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये है आपका इलाहाबाद में, और डॉक्टर शकुंतला देवी पूर्णावास विश्वविद्यालय कहाँ पर, यह लखनऊ पर, ये मोस्ट हैं। और ज्योतिबा फुल्ले विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यह बरेली में, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये पड़ता है आपका मेरठ में। तो ऐसे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चन पुट ऑफ कर लेता है उसमें से कि भाई ये संपूर्णानंद कहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया कहाँ पर है। तो अब छोटी सी और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और इसके बाद उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये भी 1976 में हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये भी लखनऊ में ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ पर है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो ये विद्यापीठ है ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी आगरा में, जो बनी थी वहां पे 1953 में बनाई गई थी। उसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का क्षेत्रीय इकाई कहाँ पर है, वाराणसी में है। हमने आपको जिस क्लास में सिर्फ उत्तर प्रदेश के वो पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही चीज़ बार बार रिवाइज करता है आयोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या UP SSC आयोग हो। तो इसी से आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बोलिएगा उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। गुड नाइट।